वो भगवान है जो एक कहानी में आपको सुनाता हूँ क्या है कि शादी केवल भोग विलास का सब्जेक्ट नहीं है। और वो ब्राह्मण घर में जाएगी तो ब्राह्मण ब्राह्मण के विचार मिल जाएंगे, उससे ज्यादा दिक्कत परेशानियां गृहस्थी चलाने में नहीं होंगी। छत्रियों का जो रिवाज है तो छत्री की लड़की छत्री में जाएगी तो सेम सेम रिवाज रीति रिवाज, वैश्य की लड़की वैश्य में जाएगी तो सेम सेम रीति रिवाज शूद्र की। अब सोचो कि कोई हिंदू की लड़की जो गाय, आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, चलो ठीक है। अब कोई लड़की किसी मुसलमान लड़के से विवाह करे तो तुम गाय को माता मानती हो और वो लोग गाय को मार कर खा जाते हैं तो बताओ विचार अलग अलग हो गए कि नहीं। जो लड़की सारी जिंदगी गाय की पूजा करती आई है अब तुम्हारे मुंह में कोई गाय का मांस रखे खाओगी, पर मुसलमान से विवाह करोगी तो खाना पड़ेगा। इसलिए विचार मिसमैच हो रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि शादी केवल भोग विलास का सब्जेक्ट नहीं है, जन्म जन्म का बंधन है, सात जन्म का। जिस परंपरा से सनातन धर्म में विवाह होता है, हमारे यहाँ पति पत्नी का रिश्ता सात जन्म का होता है। अन्य धर्मों में पति पत्नी का रिश्ता सात जन्म का नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बस। दूसरे हिंदुओं को छोड़कर अन्य धर्मों में पति पत्नी एक कॉन्ट्रैक्ट है, पसंद तुम नहीं आई तो दूसरा दूसरी ले आए, एक पसंद नहीं आई तीसरी ले आए। पर हम सनातनियों के यहाँ एक आ गई तो फिक्स हो गई सात जन्म के लिए, हमारे यहाँ दूसरी का कोई ऑप्शन नहीं है। इतना अच्छा धर्म, इतना अच्छा विचार छोड़कर तुम अन्य धर्मों में जाकर शादी विवाह करती हो। एक लड़का, अभी एक पिक्चर भारत देश में अभी अभी आपने सुनी होगी, द केरला। उस पिक्चर में छोटी सी कहानी में आपको सुनाता हूँ क्या है। उस पिक्चर में छोटी सी कहानी है, हिंदू लड़की होती है और एक मुसलमान लड़की होती है। वो हिंदू लड़कियों को बहला कर फुसला कर और अपने धर्म में वो उसे कन्वर्ट करना चाहती है। अपने मुसलमान भाइयों से मित्रों से वो इन्हें मिलाती है और वो बताते हैं कि तुम्हारे भगवान में क्या है, कृष्ण भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों से विवाह किया, ऐसा ऐसा पाठ तुम्हें पढ़ाया जाता है। अरे हमारे भगवान के बारे में कभी पूरा ज्ञान प्राप्त करो तो जानो कि भगवान भगवान कृष्ण है। कल की कक्षा में मैंने बताया था कि वो गोपियां जो थी भगवान की, अन्य अनेक पत्नियां थी जो वो हर युग में कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने वाली भक्त जब भगवान को पति के रूप में चाहती थी तो भगवान ने उन सबको पत्नी होने का परम सौभाग्य दिया। वो भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, जो कालिया नाम पर नृत्य कर सकते हैं। वो 16,108 विवाह करें तो उनमें कोई दोष नहीं, वो इंसान नहीं, वो इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड भी तो दिखाते हैं। लेकिन हिंदू लड़कियों को उसने कैसे गरगलाया कि तुम्हारे भगवान ने इतने में विवाह किए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और उन हिंदू लड़कियों को गरगला कर और उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट कराया, उन लड़कियों को ले जाकर उनका शोषण करवाया और बाद में आतंकी संगठन में उन्हें सम्मिलित कर दिया। और वही लड़कियां जो हमारी बहन बेटियां थी, वही लोग बंदूक लेकर के हमारे भारत के बच्चों को, माँ बहन बेटियों को मारने के लिए आतंकवादी बनकर के देश की सेना को मारने के लिए तैयार है। उनमें से एक लड़की भाग कर आई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आतंकवादी हो चुकी हूँ। अरे बेटी तुम क्यों हो गई आतंकवादी? तब उस बेटी ने कहा, मेरे आतंकवादी होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप स्वयं है। बेटी मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? उस बेटी ने कहा कि तुमने हमें राम और कृष्ण के बारे में, अपने धर्म के बारे में बताया होता तो हम अपने धर्म को छोड़कर कभी दूसरे धर्म में ना आते। सही वक्त पर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं दोगे तो वो दूसरे धर्म में जा सकती है, संभावनाएं हैं। कल रोते रहना, इसलिए राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ज्ञान दो, समझाओ राम कौन है, कृष्ण कौन है।